हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चंद्रभान पटेल और आज हम बात करेंगे व्हाइल लूप के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था फॉर लूप के बारे में। अगर आपने नहीं देखा है तो ऊपर डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी है, आप देख सकते हैं, लेकिन इस वीडियो को पूरा देखने के बाद। तो ठीक है, व्हाइल लूप को समझाने के लिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया है। मैंने एग्जाम्पल लिया है कि कोई भी अगर आपको सीरीज दी हुई है, यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं ये सीरीज मैंने यहाँ पे दी है, SN इज इक्वल टू समेशन ऑफ 1/n² और n जो है वो है कहाँ से, n इक्वल टू 1 से कैपिटल N। कैपिटल N जो है वो हमारा क्या है, लेंथ ऑफ दी सीरीज है, कि जो सीरीज है वो किस लेंथ की है। तो इस सीरीज का सम निकालने के लिए व्हाइल लूप से हमें सबसे पहले किस चीज की जरूरत पड़ेगी, एक वेरिएबल N जो कि स्मॉल n की अगर मैं बात करूं तो जो है N इक्वल टू 1। तो देखिए, सबसे मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया है N इक्वल टू 1, ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं एक वेरिएबल ले रहा हूँ, सी वेरिएबल मैंने लिया है जिसका मैं फ्यूचर में यूज करूंगा, लेकिन इनिशियल वैल्यू जो उसकी है वो मैंने 0 ले रखा है। तो ठीक है, जो व्हाइल लूप जो होता है वो एक कंडीशनल लूप होता है जो कि रिपीट करता है स्टेटमेंट को एक अनडिफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम के लिए, ओके। तो देखिए, यहाँ पे जो एन है वो कब तक रन करना चाहिए, वो रन करना चाहिए जब तक कि आपका जो आपका कैपिटल एन है वो अचीव ना हो जाए। तो यहाँ पे मैं ये जो है उसे कैपिटल एन में कन्वर्ट कर लेता हूँ ताकि जो कंफ्यूजन है वो यहाँ पे खत्म हो जाए। तो देखिए, एक और चीज इसमें आपको सीखने को मिल गई कि अगर आप कोई भी वेरिएबल आपने यूज किया है आपके प्रोग्राम में और आप सारे वेरिएबल को किसी दूसरे वेरिएबल से रिप्लेस करना चाहते हैं, तो आप जैसे ही उस एक पर्टिकुलर पॉइंट पे रिप्लेस करते हैं तो आपको लिखा जाता है एक्सेप्ट एंटर टू रीनेम द वेरिएबल। तो आप यहाँ पे एक्सेप्ट और एंटर दबाएंगे तो जो आपका स्मॉल ए था वो किसमें चेंज हो जाएगा, कैपिटल एन में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज क्लियर हुआ। तो देखिए, जो n है वो कब तक, जो सीरीज का समय वो किस पॉइंट से किस पॉइंट तक जाएगा, n इक्वल टू 1 से कैपिटल n तक। तो देखिए, मैंने वो ही लिया कि n की वैल्यू तो पहले 1 ले ली और जो कंडीशन है n वो कब रखा मैंने, कैपिटल n से छोटा रखा। तो देखिए, ये हमारी कंडीशन हो गई व्हाइल लूप के लिए। नेक्स्ट क्या है, मैं इस सीरीज को टाइप करूंगा, s मैंने लिया है जो सम आएगा 1/n². अब प्लस सी मैंने क्यों लिया, क्योंकि देखिए सबसे पहले जो एन है वो 1 से स्टार्ट होगा, जो कंडीशन है वो मिनिमम से स्टार्ट होगी, फिर वो हमने यहाँ पे जो कंडीशन दे रखी है व्हाइल लूप के लिए कि जो एन है जो कंडीशनल ऑपरेटर है वो इंक्रीमेंट होगा 1 से। पहली बार लूप जब चलेगा, अगर आपने नंबर की वैल्यू दे रखी है 2, अगर मैं बात करूँ, देखिए हम इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं फिर मैं आपको समझाऊंगा कि अगर मैंने यहाँ पे वैल्यू एंटर कराई 2, तो देखिए जब आप यहाँ पे 2 एंटर कराते हैं तो n की वैल्यू क्या है, 1 है, तो सबसे पहले यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। जब n की वैल्यू यहाँ पे 1 आती है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/n², तो इसकी वैल्यू कितनी आई, 1 आई। तो s में कितना स्टोर हुआ, 1 स्टोर हुआ, और जो s को है हमने c में स्टोर कर लिया, तो अब c की वैल्यू 1 हो गई है और यहाँ पे n की वैल्यू चेंज हो गई कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, क्योंकि इसे हमने इंक्रीमेंट कर दिया है 1 से। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो n कितना हो गया, 2 हो गया, क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाइड थी, क्योंकि n जो है लेस देन है कैपिटल n से। तो ये एक बार और एग्जीक्यूट होगा तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, 1/4, डेट विल बी 0.25 एंड इट विल बी एड टू 1, सो नाउ दैट s विल बिकम 1.25। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो सम ऑफ सीरीज है वो कितना है, 1.25 है। तो अगर अब यहाँ पे आप देखें जो नेक्स्ट कंडीशन है, n फिर से इंक्रीमेंट होगा 1 से, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, लेकिन इस केस में ये कंडीशन फॉल्स है तो ये लूप जो है एग्जीक्यूट नहीं होगा और हम लूप के बाहर आ जाएंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने डिस्प कमांड यूज की है, और अगर आपको डिस्प कमांड के बारे में नहीं पता तो ये भी हम अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, आप ऊपर लिंक देख सकते हैं, वहां जाकर आप इस वीडियो को देख लीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सी में जो सी वेरिएबल है उसमें कितनी वैल्यू आ गई है, 1.25। तो इस तरीके से हम किसी भी सीरीज का सम निकाल सकते हैं व्हाइल लूप से। तो इस तरीके से जो व्हाइल लूप है वो काम करता है। तो मोस्टली मैं सजेस्ट करूंगा कि आप जो प्रोग्राम है उसमें व्हाइल लूप का यूज ना करें, क्योंकि व्हाइल लूप क्या होता है, अगर आपने कंडीशन सिंपली 1 रख दी तो जब तक व्हाइल लूप में वैल्यू 1 रहेगी व्हाइल लूप इनफाइनाइटली एग्जीक्यूट होता रहेगा, तो कई बार हो सकता है कि आपका जो प्रोग्राम है वो लूप में फंस जाए। और इस केस में मैटलैब में अगर आपका कोई लूप है, आपकी मैटलैब बिजी बता रही है, तो उसे टर्मिनेट करने के लिए हम कंट्रोल सी का यूज करते हैं, ठीक है। आई थिंक व्हाइल लूप के बारे में आप सबको क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा उसमें मैं डिस्कस करूंगा इफ एल्स के बारे में, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे नेस्टेड लूप के बारे में। तो जो हमारी लूपिंग है वो कंप्लीट हो जाएगी और जो लूपिंग है उसी का हम यूज करेंगे FFT के प्रोग्राम में, ठीक है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, और अगर आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।